नमस्कार, आज मैं बात करूंगा गेहूं के बारे में। वीट कर रहा है चीट, जो गेहूं है उसके क्या नुकसान है गेहूं के आटे का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, गेहूं में एक तो फाइबर बहुत कम मात्रा में है, 1.20 ये है फाइबर उसमें। अब समस्या ये है कि वो फाइबर भी निकाल लिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब गेहूं का आटा आपके घर में आता है तो उसे चालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चलनी द्वारा वो ऑलरेडी रिफाइंड होता है, ठीक है। वो जो उसकी भूसी होती है, जो उसका चोकर होता है, वो ऑलरेडी तिनका तिनका निकाल लिया गया होता है। अब ये करता क्या है, जब उसमें वो जो है फाइबर नहीं है, वो भूसी नहीं है, तो जब उसको हम खाते हैं तो वो आँतों में जाके चिपक जाता है। क्यों चिपकता है, वो ग्लूटेन है उसके अंदर, ग्लूटेन का मतलब रबड़ है, ठीक है। अब आपको काफ़ी सालों से जैसे कि कब्जी हुई पड़ी है, इसका मतलब है कि आपकी जो आँतें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। अब क्या होगा, जब उसमें फाइबर नहीं है, ऊपर से उसमें रबड़ है, ग्लूटेन है, ठीक है, चिपकाने का, अभी कोई चीज़ मेरे को चिपकाना हो, दो चीज़ें लेके और मैं आटा उसमें ऐसे लगा दूँ तो वो चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि वो रबड़ है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आपकी आँतें कमज़ोर हो चुकी हैं, कभी कब्जी रह चुकी है, तो फिर वो जाके आपको चिपक जाएगा, आपके आँतों में जाके चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से कई लोग कब्जी के अभी शिकार चल रहे हैं। मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं आपको बार बार मिलेट खाने के लिए बोल रहा हूँ ना, आप अगर एक भी रोटी पूरे दिन में कभी कभार भी खा लिए, वो एक रोटी आपके बॉडी से निकलने वाली नहीं है कल की तारीख में। बहुत एफर्ट मारोगे, बहुत सारी जूस वगैरह लोगे, ग्रीन जूस जैसे मैं बताता हूँ आपको, तो जाके निकलेगा। तो एक रोटी को हल्के में मत लेना। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रह चुके हैं तो सोचो, अभी अगर आप गेहूं का आटा खा रहे हो तो आप ज़िंदगी भर कब्जी के शिकार रहोगे। तो इस प्रकार से जो है गेहूं में से वो चोकर निकाल लिया गया है। गलती देखो निकालने वाले की ही नहीं है, गलती आप लोगों की भी है। अभी अगर वो चोकर मिला के दे दे, मैं 100% शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप वो वाला आटा खरीदोगे ही नहीं। आप ये कहोगे कि ये धोखाधड़ी कर रहा है, ये वज़न बढ़ाने के लिए इसमें चोकर डाला हुआ है इसने, ठीक है। तो उसकी अकेले उसकी गलती नहीं है, आपकी भी है, ख़रीदने वाले तो आप भी हो। आप अगर चोकर वाला ख़रीदोगे तो वो चोकर डाल के बेचना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से अब आप कहोगे कि गेहूं ना खाएं तो क्या खाएं? देखिए, ये मिलेट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास 5 प्रकार के मिलेट्स हैं, तो मैंने अभी ये रिसेंटली मंगाया, इसको मैं खाता रहता हूँ बराबर, ठीक है। आप को इनका सेवन करना है, ठीक है। अब आप कहोगे गेहूं तो आपने मना कर दिया, उसकी जगह क्या खाएं, तो ये मिलेट्स खाओ, ठीक है। मेरी नज़रों में ये साक्षात अमृत है, ईश्वर के द्वारा दिया गया, ठीक है। ईश्वर के द्वारा तो खैर गेहूं भी दिया गया है, लेकिन उसमें फाइबर कम है, वो फाइबर भी आप निकाल के फेंक दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि क्या नाम है, कि आप जो है ईश्वर से ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए हो, ठीक है भाई। भूसी ईश्वर ने डाला है उसमें, रेशा वो डाला है, तो किसी कारण बस ही डाला होगा, लेकिन आप अपना दिमाग लगा के उसको जो है बाहर निकाल देते हो, आप उसको खा ही नहीं रहे, तो क्या होगा, फिर पेट में जाके वो जो है चिपकेगा ही जाके, और फिर उसके बाद कब्जी करेगा, वही चिपका हुआ जैसे ही पानी मिलेगा उसको गैस बनाएगा, फिर गैस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। फ़ायदा कोई नहीं है ना ऐसे करके। तो इस प्रकार से उसकी जगह पर मैंने आपको बता दिया, ये 5 प्रकार के मिलेट्स, इनका सेवन आपको करना है। अब देखिए, इसमें मैं और एक दो चीज़ें बता दूं आपको, फिर आप बीमार हो जाएंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपकी गोलियां चलेंगी और लाइफ टाइम गोलियां चलती रहेंगी, ठीक है। तो वो तो चाह रहे हैं कि आप किसी तरह से बीमार हो के बस मेरे पास एक बार आ जाओ, हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है, बार बार चेक कराएंगे आपका ब्लड निकाल के, ठीक है, और आपको गोलियां देंगे लाइफ टाइम। सो इस प्रकार से आप उन चीज़ों से बचें, ठीक है। गेहूं का सेवन बंद करें अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हो चुके हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप जो है वो चोकर उसके अंदर हो, अगर गेहूं खाना चाह रहे हैं तो वो आप खुद गेहूं खरीदो, परचेज करो, उसको पिसाओ, नहीं पिसा सकते तो मिलेट खाओ, अमृत है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, उससे 10-10 गुना फाइबर है,
अगर एवरेज लगाऊं पांचों का मैं, तो कम से कम नहीं तो 8-9 गुना फाइबर इसमें ज़्यादा है, गेहूं से भी ज़्यादा है। तो इसलिए आप जो है गेहूं छोड़ें और मिलेट्स का प्रयोग करें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।